एवरीवन, मैं हूं आपकी निशा तनवर। आपके लिए मैं रोज़ कुछ ना कुछ करती रहती हूं, कोई ना कोई रेसिपी लेके आती हूं, लेकिन आज मैं आपके लिए कोई भी रेसिपी लेकर नहीं आई। आज मैं आपके साथ एक ऐसी बात शेयर करने जा रही हूं जो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं। मेरे बहुत सब्सक्राइबर ऐसे हैं, मेरे बहुत जानकार ऐसे हैं, और वही बहुत से लोगों ने मुझे ईमेल करके पूछा है कि मैम हम भी यूट्यूब पे काम करना चाहते हैं या कर रहे हैं, हमें सजेशन दीजिए कि हम कौन सा माइक यूज़ करें अपनी वीडियो को बनाने के लिए। तो मैंने बहुत बार काफ़ी दिनों से ये चीज़ें मेरे साथ हो रही थी, मैंने सोचा कि चलो आपकी जानकारी के लिए एक छोटी सी वीडियो आपके लिए बना दूँ। तो मैं आपको यहाँ पे आज जानकारी दे रही हूँ कि कौन सा माइक आपके लिए बेहतर होगा। तो आप मेरे पास भी एक माइक था, ये है माइक। वैसे तो 250 से 200 या 250 की कीमत होगी इस माइक की। सिंपल सा माइक लिया, मैंने यूज़ करना शुरू में किया था कि हाँ मैं इसी से ही वीडियो बनाऊंगी। ऐसी बात नहीं, क्वालिटी तो इसने भी दी है, लेकिन उतने ही लेवल की क्वालिटी नहीं दे पाया। जब एक फुट के तक मैं जब ये वीडियो इससे बनाती थी तो अच्छी वीडियो बनती थी, लेकिन थोड़ी दूरी पर ले जाकर नॉइस आना शुरू हो जाता था और क्वालिटी भी बहुत अच्छी नहीं आती थी वीडियो में, वॉइस जो है बहुत ज़्यादा पुअर लगती थी। तो ये इसने मुझे इतना खुश नहीं किया, यानी कि काम वर्क तो ये भी करता है बट इतना मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने बोया, ये देखिए बोया का ये माइक है, ये मैंने ऑर्डर किया। इससे मैंने अपनी वीडियो बनानी शुरू कर दी और वीडियो में क्वालिटी भी आई, वॉइस भी अच्छी आई। जितनी भी आप दूरी तक बनाना चाहो बना सकते हो, आपकी वॉइस बहुत क्लियर आती है और सुनने वालों को बहुत साफ सुनती है। तो ये मैं माइक है, ये मैंने ऑर्डर अभी लेटेस्ट एक और माइक लिया है, वो मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखा रही हूँ। मेरे पास ऑलरेडी ये माइक पड़ा है, मैं आपके लिए ये आपको अनबॉक्सिंग करके दिखा रही हूँ। ये बोया का माइक है और इसकी कीमत 1000 है, और इसके फीचर्स आप इसे लैपटॉप में लगा सकते हैं, आप इसे मोबाइल में लगा सकते हैं, आप इसे DSLR पे भी कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है इसकी, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, पर बहुत क्वालिटी है इसमें, हाई क्वालिटी लेवल का ये माइक है, और आप इसे जब लोगे तो आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। तो मैं इसे खोल के आपको दिखा रही हूँ कि ये कैसा माइक है। तो ये मैं इसकी अनबॉक्सिंग आपको करके दिखा रही हूँ, ये देखो कितनी पास से मैं आपको दिखा रही हूँ। ये बोया BOYA बोया का कैमरा है ये, और बहुत अच्छा है, मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ इसको वैसे पहले भी, बहुत अच्छी क्वालिटी है इसमें। तो मैं ये अब आपको खोल के दिखाती हूँ कि ये कैसे दिखाई देता है। बहुत अच्छा है और इसकी पैकिंग भी बहुत अच्छी आती है। ये देखिए इसका वारंटी कार्ड होते हैं, और ये है इसकी पैकिंग में, ऐसी पोटली में ये आएगा। ये देखिए निकाल दिया है मैंने ये, और ये देखिए आप देख सकते हैं ये ऐसे, और इतनी लंबी वायर है, आप कहीं जितनी चाहे जितनी दूर बैठे हो आप उतना इसे कनेक्ट अपने शर्ट में, टी शर्ट में, कैसे भी कहीं आप लगा सकते हो इसे। और इसका ये प्लग पॉइंट है, ये देखिए, और ये इसकी बैटरी है। इसे आप यहाँ से, ये देखिए ऑन ऑफ का बटन है इसमें, ऑन ऑफ के बटन आपको दे रखे हैं, और वॉइस का भी सब कुछ इससे कनेक्टेड है। बैटरी है ये, और बहुत अच्छी वॉइस इससे आती है। आप बहुत, जब आप इसे यूज़ करेंगे तो आप वाकई में मानेंगे कि हाँ ये मुझे, मैंने अच्छा कोई प्रोडक्ट ख़रीदा है जिसमें मेरा पैसा वेस्ट नहीं हुआ है। ये बहुत अच्छी है, और आपकी वीडियोज़ में बहुत हाई लेवल की, जब आप वीडियोज़ क्रिएट करते हो, इतनी मेहनत करते हो, इतनी अच्छी क्वालिटी आप देते हो, अगर आपकी वॉइस अच्छी नहीं होगी तो सुनने वाला जो है वो आप, हो सकता है कि आपके वीडियो को वॉच भी ना करें, क्योंकि जब तक उसकी आप, उसके पास आपकी वॉइस ही नहीं पहुँचेगी तो उसके बाद आपको वीडियो को देखना व्यर्थ है। तो वॉइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी वीडियो में, वॉइस का होना बहुत ज़्यादा, साफ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वॉइस, इस मैं सजेशन दूंगी आप इस बोया के कैमरे को, सॉरी माइक को यूज़ करें, और अपनी वीडियो में बहुत अच्छे व्यूज़ लेकर आ सकते हो आप, लाइक्स आप ले सकते हो, और बहुत आप इससे अपनी क्वालिटी अपनी वीडियो में ला सकते हो। हालांकि मैं ये नहीं कहती, जिनका बजट नहीं बनता है तो वो इस वाले जो ये मैंने ये 250 का माइक लिया था, सिंपल सा माइक है ये लिया था, आप इससे भी काम चला सकते हो, लेकिन हाँ ये इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, मैं यहाँ पे ये बता रही हूँ, ये इतनी अच्छी क्वालिटी आपको नहीं देता। तो इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे दी कि ये कितना अच्छा है, और इसके साथ जो हमें और चीज़ें मिली हैं वो भी मैं आपको शो कर रही हूँ। ये एक्सेसरीज है जो कुछ हमें यहाँ पे मिली है इसके साथ, ये स्पीकर, ये जो ये है इसके साथ जो स्पीकर्स होते हैं, कवर है उसका, उसके ऊपर लगाने के लिए होता है, और ये क्लिप है, आप शर्ट के ऊपर जब आप लगाते हो तो इसे शर्ट में आप लगाने के लिए हैंगिंग कर सकते हो, हैंग कर सकते हो, और ये DSLR के साथ कनेक्ट होने के लिए ये प्लग है, ये
ये DSLR के साथ कनेक्ट होने के लिए दिया गया है, और कुछ ये कार्ड है जिस स्पेसिफिकेशन है जिस जो इससे रिलेटेड हमें चीज़ें बताई गई हैं वो सब इसमें मेंशन की गई है। आप इसे पढ़कर भी इसे अपने यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। वारंटी कार्ड भी इसमें साथ मिलता है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने बजट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा माइक यूज़ करना चाहते हो। लेकिन अगर आप यूट्यूब पर काम कर रहे हो तो आपको एक आपके पास एक अच्छा माइक होना ही चाहिए। तो मैं सजेशन यही दूंगी कि आप बोया का माइक खरीदें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी इस वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसे क्लिक कीजिए, और अब मेरे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ, अपने यूट्यूबर्स फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको उनकी वीडियो में इम्प्रूवमेंट आए। और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएँ ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।